हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट है, आठे वाली जो मैंने कन्या जिमाई थी, तो मेरी मम्मी की काशी की पूजा थी, उसमें हम चले गए थे। अच्छे होंगे। तो यहाँ पर तो फ्रेंड्स 5:10 थी जब मैं जगी थी, और सबसे पहले मैंने अपनी जोत देखी, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर थोड़ी सी झाड़ू लगा दी है, और अब जो है आलू बालूंगी और जो है आटा मांड कर रखूंगी, और जो है हलवा जब भी बनाऊंगी थोड़ी देर पहले ही जब मैं कन्या जिमाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने साफ आलू धो लिए हैं एकदम, और इसमें 2 लुटिया पानी डाल दिया है, और 1 सीटी लगा लेंगे आलू में। और इधर जो है विवेक जॉगिंग जा रहा है, और यहाँ पर मैंने आटा भी तैयार कर लिया है, 8 पूरियों का फीका आटा करा है। देवी माँ की पूरियाँ फीकी बनती है, और ये हमारा नमक का आटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आसमान बिल्कुल नीला नीला है, और अभी अंधेरा है। और इधर मैंने जो है यहाँ पर बाहर अपने मेन गेट पर जो है छिड़काव कर दिया है, झाड़ू भी लगा दिया है, और कितना अच्छा लगता है, एकदम तरोताज़ा पॉजिटिव एनर्जी आती है जब आप सारी साफ सफाई अच्छे से करते हो। चाय पानी लेती हूँ, चाय रख देती हूँ। 2 गिलास पानी लेने, जितनी आप चाय पीते हैं उतना ही पानी डालें, उसमें स्वाद अनुसार चीनी डालें, उसमें अदरक डालें और चाय की पत्ती डालें। और यहाँ पर मैंने जो है रख दिया पानी, और अभी हमारा नहीं आया है, दो थोड़ा बाद में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया रेडी करके सामान, फिर जो है इंडक्शन चूल्हे पर रख दूंगी चाय। तो फ्रेंड्स हमारे आलू बल गए हैं, इन्हें मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। देख सकते चने रात भिगो कर रख दी थी, और इनके साथ मैंने इसलिए नहीं उबाली कि मैं भूल गई थी। तो मेरी मम्मी हमेशा जो है पिताजी कहते थे कि चने जो है बच्चों के लिए आधी किलो चने उबाल कर और इन्हें खवाओ डेली, इससे मजबूत रहेंगे हमारे बच्चे। तो यहाँ पर हम मजबूत इसीलिए हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने बहुत हमें खवाया पियाया, इसीलिए हम एकदम बढ़िया तंदुरुस्त हैं और अपने इतने सारे काम अच्छे से कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कुकर बंद कर देती हूँ। और जैसे माँ बाप की जो है मम्मी पापा की जो बातें हैं वो हमेशा इसी तरह हमारी यादों में बनी रहेंगी, और हैप्पी रहे सबके माँ बाप। तो फ्रेंड्स चलिए, माँ बाप की बात हमेशा कुछ ना कुछ याद आती रहती है, क्योंकि जो हमारे माँ बाप हमें पालते हैं और जो है हर चीज के लिए तैयार करते हैं, हर समय के लिए तैयार करते हैं। जब भी आप कोई ना कोई सिचुएशन में फंस जाते हो तो उस चीज के लिए पहले से ही बताकर रखते हैं हमारे मम्मी पापा। तो फ्रेंड्स चलिए, फ्रेंड्स बड़े बूढ़ों का ध्यान रखिए और उन्हें हैप्पी रखिए, वो खुश है तो आप भी खुश रहेंगे, और आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहेगा जब आप अपने बड़े बूढ़ों को खुश रखोगे। हमारे दादस और दादाश्री थे जो हमारी शादी होकर आई थी, तो हमने उनकी खूब सेवा करी। तो बाहर जितने भी हमारे गांव बस्ती के लोग हैं वो हमेशा हमें जानते हैं, और इसीलिए जान गए हैं क्योंकि हम जो है हर तरीके से काम भी करते थे, और अपने बीवी बाबा हमारे मतलब हमारे दादाश्री 100 साल के होकर खत्म हुए हैं, और हमारे दादस 100 साल और 2 साल और जी थी। तो फ्रेंड्स इतने साल हमारी दादा जी थी, और एकदम बढ़िया तरीके से जो है क्या कहते हैं जब आदमी करते हैं दम तोड़ते हैं, तो वो तो फ्रेंड्स हमने अपने दादा और दादाजी की अच्छी सेवा की थी। तो सब जो है हमारे यहाँ के आस पड़ोस के सब खुश रहते हैं हमसे, क्योंकि हम उन्होंने हमको देखा है काम करते हुए और उनकी सेवा करते हुए। और घर के कितने सारे काम थे, जैसे कि सिलाई हो गई है, भैंस थी मेरे पास तो हम दोनों भैंस रहते थे साथ, और 5 बच्चे हमारे, और जो है जो भी कोई आता था बिना नाश्ते के नहीं जाता था, तो इसीलिए फ्रेंड्स नहीं जाता था और अब भी नहीं जाता है। मैं जब भी कभी कोई आ जाता है तो सब नाश्ते की तैयारी अच्छे से करती हूँ और एकदम खुश रहती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं नाश्ते की तैयारी अच्छे से करती हूँ और खुश रहती हूँ। तो फ्रेंड्स बातें तो बहुत हो गई हैं, और अब कर लेते हैं काम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आलू टमाटर सब्जी बना ली, अब बहुत आसान है। 1 चम्मच तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, और इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है, और इसमें डालेंगे हम सारे मसाले। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच मिर्च डाल दी है, और बन जाती है हमारी आलू टमाटर की बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है नमक डाल दिया है, सारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं, और इसमें डालेंगे हम 1.5 किलो पानी। तो चलिए फ्रेंड्स ये सब्जी इतनी बढ़िया बन गई है, और आज तो है माता रानी का दरबार, माता रानी की पूजा के लिए भोग निकलेगा तो वो तो बहुत ही टेस्टी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आलू जो है उबाल लिए थे और हल्के से फोड़ लिए हैं, और उबले हुए पानी में डाल दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी अपनी सब्जी को पकने के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने भगवान जी के लिए चाय रख दी है, और देख सकते हैं माँ, और चाय पीने से थोड़ी थकान पड़ जाएगी, थकान हो जाती है जब आप लगे तो काम हो, और एकदम बढ़िया बन गया चाय टेस्ट। एक घूट पीने से ही कितना आराम मिल जाता है चाय से। और इधर जो है ये अपना नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी जाएंगे तो हम कन्या जिमाते रहेंगे, और ये जो अपने ऑफिस पर जाएंगे। फ्रेंड्स हमारे काम तो लेट हो जाएंगे क्योंकि हम तो काम करेंगे घर का, तो 9 बज जाएंगे, लेकिन इन्हें जाना है अपने काम पर, और 7 बजे तो चाय नाश्ता करके इन्हें फ्री कर दिया है, और ये अपने काम पर चले जाएंगे, कि अपने घर भी जिम्मेदारी है तो उसको भी निभाना है। चलिए फ्रेंड्स चाय पी लेते हैं।
पैसा खाने के लिए भेजे थे, तो सुबह सुबह जब आप कन्या जमाओगे तो उनके लिए 10-10 रुपए चाहिए, तो वो मैंने मंगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है खुले पैसे मंगाए हैं मैंने कन्या जमाने के लिए। जब आप कन्या जमाओगे तो 10-10 रुपए चलते हैं, अब पहले 5-5 देते थे अब 10 देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10-10 के फिर शान से 200 रुपए खुलाकर मंगा लिए हैं, और मंगाए हैं मैंने अपने जीजा के यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर दुकान पर किसी पे भी दिखवा लिया है तो नहीं मिले थे, फिर मैंने मंगा दिए हैं। हमारे बैंक का काम है ना तो वहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स पैसे भी मिल गए हैं, और रह रहा है मेरा हलवा बनाना, तो उसकी तैयारी भी करूंगी। पहले 2 मिनट बैठ जाऊंगी क्योंकि मेरे जो है बैक में दर्द हो जाता है अब जब से मेरे बुखार हुआ है। मैं जो जब वो चला था ना लॉकडाउन, तो मेरे बुखार हो गया था ज्यादा ही, 1 महीने रहा था मेरे बुखार, तो उसकी वजह से मेरे बैक में थोड़ा सा दर्द रहता है। लेकिन काम मैं घबराती नहीं हूं, अपने कामों में सारे काम करती हूं अच्छे से। तो फ्रेंड्स चलिए अब जो है अपनी तैयारी करूंगी, तो 2 मिनट के लिए यानी 5 मिनट के लिए रेस्ट लूंगी, उसके बाद जो है अपने कामों में लगूंगी। और रह रहा है हमारा पोछा, फिर पोछा लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 8 छानी चनी ले ली है और 1 पाव सूजी ली है। इसे छान लेंगे और फिर छान कर जो है हल्का सा ब्राउन करेंगे और इसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने चनी ले ली है और इसे छान लेंगे बढ़िया सी, और छानना ज़रूर चाहिए क्योंकि दुकान से लाते आप, और पैकेट वाली भी आती है पैक होकर, लेकिन फिर भी मैं छानती हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 किलो 1.5 किलो के करीब पानी ले लिया है और इसमें डालूँगी 1 पाव चीनी। और फ्रेंड्स घोल अपना पानी उबाल कर ही डालें, बहुत टेस्टी हलवा बनता है। तो चलिए गैस ऑन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सूजी डाल ली है और इसमें डालेंगे 1 कटोरी देसी घी, और बहुत ही टेस्टी हलवा बन जाएगा हमारा अठावड़ी का। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसी तरह इसे हल्का सा जो है ब्राउन कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे चीनी की चाशनी वाला पानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 1 कटोरी इस तरह के टिपन जो है चीनी का डाल दिया है, और इसमें 1/2 टिपन चीनी और डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव चीनी डाली है और पानी को अच्छे से उबाल लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चीनी की चाशनी का उबला हुआ पानी धीरे धीरे डाल दूंगी और ध्यान से डालूंगी, आप भी ध्यान से डालें। और इधर मेरे चने उबाले थे वे भी डाल दूंगी, क्योंकि प्रसाद में सूजी के प्रसाद में चने जरूर डालने चाहिए। इधर हमारी आलू टमाटर सब्जी भी तैयार है, इसे ढककर रख देंगे, और बच्चों के लिए चने देने के लिए भी रख दिए हैं मैंने ढककर। और इधर हमारा हलवा जिसमें हमें नारियल डालना है, और हमारे आटा भी तैयार है। और फ्रेंड्स यहाँ पर विवेक जो है नारियल कस देगा और मैं जो है हलवे में डाल दूंगी नारियल। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं। थोड़े से फूल जो है ये रखे थे बचे हुए, तो ये भी मैंने साफ कर दिए हैं, और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं फूल, रंग बिरंगे सब तरह के पास प्यारी सी सुंदर सी सीसी है जिसे हम डेकोरेट करके रख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं नहा ली हूँ, नहा कर मैंने धो लिया है सिर, और जो है बच्चे भी नहा लिए हैं और लेट हुए हैं अंदर। और अब करूंगी मैं अठावड़ी की तैयारी, यानी टाइम क्या हो रहा है 9:05। तो फ्रेंड्स 8 पूरी बनाऊंगी पहले, और फिर पूजा करेंगे, सामग्री खाएंगे, और उसके बाद करेंगे तैयारी कन्याओं की। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं। तरह हमारी एकदम रिफाइंड में जो है पूरियां कितनी टेस्टी बन गई हैं, तो आप जो है आलू टमाटर सब्जी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स ये अग्नि मैया के लिए है थोड़ा सा हलवा और 1 पूरी, क्योंकि अग्नि मैया पर आप खाना बनाते हो तो उनका भी धन्यवाद करें कि अगर ये चूल्हा ना हो तो हम जो है रोटियां किस पे सेकेंगे। तो फ्रेंड्स जो है अग्नि मैया का भी धन्यवाद, जो हमारी यहाँ पर जो खाना बनता है और उससे हमारा पेट भरता है। तो चलिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी अठावड़ी यानी 8 पूरी बनकर तैयार हो गई है, और उधर आलू टमाटर सब्जी, और ये हमारा हलवाई कटोरी। तो भोग लगा दिया है माता रानी को, और जब आप जो है भोग लगा लोगे 8 पूरियों का, उसके बाद हम नारियल उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम नारियल उठाएंगे जब हमारी ये 8 पूरी और हमारी सब्जी और हलवा बन जाएगा, उसके पहले हम नारियल नहीं उठाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपसे ये बातें भी शेयर कर ली हैं, क्योंकि जब आप पूजा कर रहे हो तो नारियल जो है अठावड़ी के बाद ही उठाएं। तो चलिए फ्रेंड्स हम भी पूजा कर लेते हैं। आ जाओ बच्चों, तनिषा भी बैठ आओ भाई, इतने हमें लॉन्ग लॉन्ग निकाले आप। हमारी गौ माता है जिसमें कितने देवी देवता है, 36 शायद देवी देवता है, और वे हमारी मम्मी सासू माँ। तो चलिए फ्रेंड्स सासू माँ के सामने कर लेते हैं अठावड़ी की पूजा, और ये देखिए हम अब करेंगे पूजा तैयारी। और फ्रेंड्स तो चलिए हम सब हाथ लगा लेते हैं, और ये और बच्चे खुश हैं तो उनके साथ हम भी खुश हैं, तो जिसमें हमारे बच्चे खुश हैं उसमें हम भी खुश हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है अब अग्नि जला देंगे, दो बत्ती भी जला।
और हम सब ने हाथ लगा रखा है मेरे प्रशांत के साथ, मेरे विवेक ने और सनी साले। चलो गाइस, जय हो अग्नि मैया तेरी जय हो, जय हो शिरा वाली माता की जय। तो चलिए यहां पर पूजा करते शुरू और आरती करते हैं। जय गणेश देवा हैं। और देख सकते हैं वैष्णो देवी माँ की ये तस्वीरें बनी हुई हैं यहाँ पर। जय अम्बे गौरी। यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर और अग्नि मैया को जो है अग्नि में डाल दो। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी 8 पूरियां और प्रसाद है, इस पर हम 5 बार पानी फिरा देंगे। देवी मैया को भोग लगाएंगे। भोग लगा लो मैया, टुकड़ा डालेंगे जल में, क्योंकि जल के भी हमारा जीवन अधूरा। तो जय हो जल भैया। तो जय हो शिरा वाली माता की जय। नाल ला गया हाथ में। अब चलिए इसको फुड़वा लेती हूँ बच्चों से। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे 8 दिन का जल रखा हुआ है, तो इसे पूरे घर में छिड़केंगे और थोड़ा सा हम सूरज भी जल देंगे। तो पहले मैं सूरज भी जल देती हूँ और सूरज देवता महाराज हमारे घर पर कृपा बनाए रखे और हमें सुख शांति दे। तो इस जल को हम पूरे घर में ऊपर से लेकर नीचे तक सारे में छिड़केंगे और जो 1 रुपया है ना, ये मैं गुल्लक में डाल दूंगी। माता रानी जो है इसी तरह हमारे घर में विराजमान होती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये है मेरे हमारी गुल्लक जिसमें हमने पैसे डाल रखे, तो ये डाल देंगे हम इसमें। तो मैया रानी आती रहे इसी तरह और अपने जुड़ते रहे इसमें पैसे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हेलो बोल दो बच्चों, हेलो बोल दो, हेलो तो फ्रेंड्स हेलो बोलो, नहीं हेलो बोलो सिर्फ हाय। यहाँ पर बच्चे आ गए हैं और ये हमारा नारियल। यहाँ पर जो है मैं पूरी खा ली है, तनिषा जो है सेक ली है और तनिषा लग गई है सेकने के लिए और इसमें देखिए सारी पूरी बना दिए और पहले मैंने बना दी थी और मैं चली कन्या को लेने के लिए। हाँ हाँ दे दो, हाँ यहाँ ला रही हूँ, हाँ यहाँ ला रही हूँ। ये तीन भर भैया एक साथ अच्छा लग रहा बेटा, साथ में तीन भर भैया। यहाँ पर खाना खा दिया बच्चों के लिए और ये अपने खा लेंगे। छोटू ये लो, क्या नाम है आपका? अच्छा ले लिया, घास ले लिया, उसमें ले लिया पानी और दूध। बुआ ग्राम मनी अच्छा जी किशन जी तो क्या आशीर्वाद दे, बढ़िया बढ़िया सी जॉब लगे, बढ़िया काम चलो, दिल सुबह पूछा मैं सब्जी दे तुम्हारे। हाँ थोड़ी थोड़ी के लिए पूरी सब्जी दे देती हूँ तुझे बेटा। चलो तो देखिए ये लड़की रह गई थी, अभी खाना खाने के लिए आ गई है। और नाम क्या बेटा आपका? ऋषिका। और आपका? धानी। तो इस लड़की का नाम धानी, ये ऋषिका। तो चलिए कन्या भवानी खाना खा लेंगे। चलिए तो देखिए
देखा जाएगा घर पर। और ये बच्चे जो है ऐसी आए थे, हमने जो थाली में लगाकर घर पर दे दिया है ताकि बच्चे घर पर खा ले। तो इसी तरह खाली खाली में देनी चाहिए, खाली में कुछ रखा देना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं। फ्रेंड्स हमारे सामने वाली अम्मा जो है उनके छोटे वाले लड़का है और बड़ी छोटी वाली बहू है नहीं यहाँ पर, तो मैं उसके लिए थाली लगाकर ले जा रही हूँ। हलवा ले लिया है और कटोरी में सब्जी और जो है यहाँ पर दो नारियल और चार पूरियाँ, तो उस बच्चे को देंगे। यहाँ पर मैंने पैसे ले लिए साथ में और उसको दे दूँगी। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पैसे थोड़े गंदे से हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मिल जाते हैं टाइम पर, सबसे बड़ी बात है। तो गंदे तो नए तो नए रहते हैं लेकिन थोड़े बहुत गंदे भी हो जाते हैं पैसे। तो चलिए फ्रेंड्स ले आती हूँ। अच्छा पूजा कर रहे देख ले। अभी ये लड़का गया नहीं है तो इसके लिए मैं ही ले आई हूँ। और यहाँ पर पूजा चल रही है, लो ये 20 रुपया है, या छोटे भैया के और या के। ठीक है, दोनों भैया आएंगे तो हल्का मुंह मीठा कर लेगा हलवा से। तो ये लड़का जो गया नहीं है अभी, छोटा नहीं बच्चे, हाँ। तो कोई बात नहीं। और इसकी जो है बड़ी मम्मी भी ना है तो उसके 3 बच्चे उनके साथ आता है ये, लेकिन अब नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, अकेले बच्चे ऐसे हो जाते हैं। हाय बोल। हेलो बोल। अपने पापा के पास बैठा है। हेलो ठीक है, तो है राम राम जी। मेरे कई बार आई ना बेटा, तो खूब मैं। तो फ्रेंड्स इनकी घर आई थी मैं छोटे बच्चे को खाना देने। और यहाँ पर हमारी जो है पूरी सब्जी और हलवा भोग लगाएंगे, आज हमारा व्रत खुल जाएगा बच्चों का भी और मेरा भी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सभी काम हो गए बढ़िया। तो यहाँ पर जो भगवान जी का भोग है उसको उठा लेंगे और गौ माता को खिलाएंगे। तो एक थाली हमने यहाँ रखी थी भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए, इसे ले चलते हैं अंदर और इसे मैं खा लूंगी और बच्चे खा लेंगे। ले और देखिये कितने सारे मोमेंट लेने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारी थाली भगवान जी के लिए जो भोग लगाया था, यहाँ पर हलवा और टमाटर सब्जी पूरी और ये हमारे नारियल जो सबसे जरूरी होता है माता भैया में, और ये हमारे जो है काले चने जो हम पूजा में लेते हैं इस्तेमाल। तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारी थाली है, चलिए आप भी खाइए हम भी खाते हैं ये अपना खाना। और आज खोल लेते हैं व्रत और उधर टंकी भर गए पानी की, बंद करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज व्रत खोल लेते हैं, आज है 8 है और हमारे व्रत खुल जाएंगे, फिर वही रोज का रूटीन रोटी सब्जी जो आप बनाना चाहो वो बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं शुरुआत और लगाते हैं भोग पहले जो है भगवान जी को, एक भोग लगाते हैं भगवान जी को। सबसे पहले भोग लगाते हैं और एक बाइट हम खा लेते हैं मीठा मीठा, तो एक हलवा पूरी बहुत टेस्टी बन रहा है हलवा, और जब आप खाते हो ना एकदम से ही आपको पता चल जाता है उसका स्वाद। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वो जो घंटी है ना उसको क्लिक कर देना और वीडियो शेयर कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।